हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मैंने क्या कहा आपको? डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें क्या आया? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये क्या हैं? एक सिद्धांत है। डायरेक्टिव यानी कि डायरेक्शन देते हैं, एक सिद्धांत जो है वो डायरेक्शन देते हैं। स्टेट पॉलिसी, जब कोई स्टेट कोई पॉलिसी बनाता है तो उस पॉलिसी को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए कि जो लोग हैं वहाँ पर उनको कोई भी समस्या ना हो, तो इसी वजह से ये जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बनाई गई थी। ठीक है, और इसको लिया कहाँ से गया था? तो ये लिया गया था आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया? ये आयरलैंड से। ठीक है, आयरलैंड से ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये लिया गया था। और ये जो आयरलैंड है, इसने इसको कहाँ से लिया था? तो यानी कि स्पेन से लिया था। ठीक है, इस डीपीएसपी को आयरलैंड ने कहाँ से कॉपी किया? तो उस आंसर बन जाएगा स्पेन से कॉपी किया था। ठीक है, जो डीपीएसपी है ये कौन से संविधान के हिस्से में आता है? तो आंसर आप कर देंगे क्या? पार्ट नंबर 4 में आता है। और इसके लिए अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो 36 से 51 तक इसमें अनुच्छेद दिए गए हैं। ठीक है, और ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी कि डीपीएसपी है ये 3 भागों में डिवाइडेड है। कितने भागों में है? 3 भागों में। ठीक है, कौन कौन सा भाग है? पहला नंबर क्या है? गांधीयन। पहला है क्या? गांधीयन। ठीक है, पहला नंबर क्या है? गांधीयन है। शायद आपको दिख नहीं रहा है, एक मिनट आप रुक जाइए। हाँ, पहला नंबर क्या हो जाएगा? गांधीयन यानी कि गांधी जी के सिद्धांतों पर आधारित है। यानी कि हमने इसको, ये हमारे संविधान में डिवाइड नहीं किया गया था, लेकिन जिसमें ऐसी बातें बोली जा सकती, यानी कि जिसमें जैसा कहा गया है हर एक आर्टिकल के हिसाब से, इसको 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया। कौन कौन सी कैटेगरी हो जाएगी? गांधीयन हो जाएगी, सोशलिस्ट हो जाएगी, और थर्ड वाली कौन सी है? सेकुलर है। ठीक है, तो देखिए इनको कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, तो आप आंसर करेंगे क्या? 3 कैटेगरी में। पहला हो गया गांधीयन, उसके बाद दूसरा कौन सा है? सेक्युलर, और तीसरा कौन सा है? सोशलिस्ट। ठीक है, सोशलिस्ट। और ये जो डीपीएसपी है ये क्या है? नॉन जस्टिसिएबल है। आपको अगर दिख नहीं रहा तो आप या सुनकर लिख सकते हो। दूसरा कौन सा है? सेक्युलर कैटेगरी है। थर्ड कौन सा है? सोशलिस्ट कैटेगरी है। ठीक है, और ये जो डीपीएसपी है ये जो है वो क्या है? नॉन जस्टिसिएबल है। क्या है? नॉन जस्टिसिएबल। अब नॉन जस्टिसिएबल का क्या मतलब होता है? आप ये वर्ड जो है सुनकर लिख लो। मैंने क्या कहा? नॉन जस्टिसिएबल, यानी कि अगर आपके डीपीएसपी जो अधिकार है, यानी कि डीपीएसपी है, अगर इसको जो स्टेट है इसको अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकती है, यानी कि जो परफॉर्म नहीं कर रही अगर स्टेट, तो आप इसके अगेंस्ट किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? अगर इससे इसको नॉन जस्टिसिएबल का यही मतलब होता है कि अगर कोई पॉलिसी सरकार अच्छे से नहीं बना रही है, या फिर राज्य सरकार ठीक से उसको अच्छे से काम नहीं कर रही, तो आप उसके अगेंस्ट किसी भी कोर्ट में जा नहीं सकते हैं। तो ये जो है इसीलिए कहा गया है इसको नॉन जस्टिसिएबल। मैंने आपको बताया क्या? डीपीएसपी, सबसे पहले पॉइंट डीपीएसपी। डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? पहले इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये लिया कहाँ से गया है? आयरलैंड से लिया गया है, सेकंड पॉइंट हो गया। और उसके बाद अगर हम कहें कि जो आयरलैंड है उसने इसको कहाँ से कॉपी किया, तो आप आंसर क्या कर दो कि स्पेन से इसने कॉपी किया। अगर हम कहें कि जो डीपीएसपी होता है कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल है इसके लिए, तो 36 से 51 तक है। कौन से हिस्से में भाग, कौन से भाग में है, तो पार्ट नंबर 4 में आता है। ठीक, और उसके बाद ये कितने कैटेगरीज में डिवाइड होता है, तो ये 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है, सोशलिस्ट, सेकुलर और गांधीयन प्रिंसिपल, 3 ये हो गए। और उसके बाद अगर हम कहें आपसे कि जो डीपीएसपी है ये क्या बताता है, तो ये ऐसे प्रिंसिपल्स को यानी कि सिद्धांतों को बताता है कि जिस यदि कोई सरकार पॉलिसी बना रही है तो उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, और किस ऐसे तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि किसी भी जनता को कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसीलिए डीपीएसपी बनाया गया था। ठीक है, और उसके बाद ये क्या है? नॉन जस्टिसिएबल है, यानी कि अगर इस कोई राज्य सरकार इस पर अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो आप इसके अगेंस्ट किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। तो इतने पॉइंट मैंने आपको बोल कर भी बता दिया और लिख कर भी बता दिया है, ताकि आप अच्छे से इसको नोट डाउन करके रख लो। ठीक है, और देखिए मैंने जो क्वेश्चन आपसे पूछते हो, प्लीज़ उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखा करिए, क्योंकि ये आपके लिए है, इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है।
इससे क्या होगा कि आप जो है रिवीजन करोगे और उसके बाद आंसर भी लिखोगे, कॉपी में एक बार लिख चुके होगे, उसके बाद कमेंट बॉक्स में एक बार लिखोगे, तो इससे क्या होगा कि आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो हमने क्या बात किया कि डीपीएसपी के क्या मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्जाम में इससे बन सकते हैं, और जितना भी मैंने आपको ये बोर्ड पर लिखा है, स्क्रीनशॉट ले लो, जितना बोर्ड पर लिखा हुआ है क्या इतना ज़्यादा पॉइंट जो है हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा भी गया है। ठीक है, तो इसमें अगर आप जो, और हाँ, अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो एक काम करो, जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो या फिर नहीं भी कर रहे हो, जो भी क्वेश्चन पेपर होता है उसको उठाकर देख लो, तब आपको पता चल जाएगा कि हाँ कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तब उसके बाद आप जो है रेगुलर पढ़ना चालू कर दोगे। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ आगे भी शेयर करते रहिएगा, और उसके बाद रिविज़न बार बार करते रहिए, जितने भी वीडियोज़ मैंने पिछली बार पढ़ाई हैं उसको भी रिविज़न करते रहिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो हम क्या पढ़ेंगे, आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, नहीं 36 से 51 में कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है वो भी पढ़ेंगे, और बाकी तो पूरा पढ़ेंगे, कौन से इंपॉर्टेंट वो भी साथ में हम डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते, चलते मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।